बिहार के सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं। सूबे में भीषण सर्दी के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगहा के दरुआबारी से अपने अभियान का आगाज किया है। अपनी यात्रा के दौरान सीएम जनसभा करने के बजाय गांवों में विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में उन्होंने ऐतिहासिक दलदलिया पोखर का दौरा किया है। सीएम नीतीश कुमार ने बेतिया में समेकित थारूहट विकास प्राधिकरण के सामुदायिक शेड और वर्क शेड का शिलान्यास किया। इसके अलावा गांव में विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान थारू जनजाति की बच्चियों ने गांव में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग की है। इसके अलावा महिलाओं ने सीएम से शराबबंदी को सख्ती से पालन कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पारस नगर पहुंचकर गंडक नदी के किनारे टावर स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी के कटाव की स्थिति का जायजा लिया, साथ ही साथ अभियंताओं को कई आवश्यक निर्देश दिए। गंडक नदी के कहर से नगर को बचाने के लिए पक्का बांध निर्माण और बांध विस्तार करने का निर्देश अभियंताओं को दिया है। पर्याप्त नहीं था, अरे मीडिया से भाई थोड़ा सा देख लिए, काफी दूरी तक हो रहा है कटाव, तो इस सब की सुरक्षा के लिए इसको आगे बढ़ा करके और ऊंचाई पर लाना होगा ताकि लोग सुरक्षित रहे, सारे घर के लोग यही देखने के लिए चले आए हैं ना, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए उसके लिए किया जाएगा। चल 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 विजुअल बना रहे जो है ना, नीतीश कुमार जी का आगमन हो चुका है। चलो चलो चलो।